आइए आइए। क्यों भाई, जब पैसे देने की बारी आई तो फोन उठाना ही बंद कर दिया? हाँ, अब तो मुझे पैसे नहीं, तेरी बहन चाहिए। याद है ना तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जिसमें तूने साफ साफ लिखा है कि अगर एक महीने के अंदर तूने मुझे मेरे पूरे पैसे वापस नहीं किए तो तू अपनी बहन को एक महीने के लिए मेरे साथ मेरे घर में छोड़ के जाएगा। तो अब तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब मुझे तेरी बहन चाहिए। चल छोड़ के जाए इसे। अरे आराम से बैठो, इसे अपना ही घर समझो। छूने की कोशिश मत करियो, तूने हमें कर्जे में करके मुझे पा तो लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे साथ सोऊंगी। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था कि एक महीना तेरे साथ रहूंगी, जो बोलेगा वो करूंगी। अगर छूने की कोशिश की ना तो हाथ तोड़ दूंगी, समझ में आया? मैं क्या कर सकता हूँ अब, आप ही ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था मेरी बहन आपके पास एक महीना रहेगी, सो रह रही है, इससे अलग तो नहीं आपने कुछ लिखा था? अच्छा तो तू ये बोल रहा है कि मैंने तुझे 2 लाख रुपए उधार दिए और एक काम वाली रख ली, और वो भी इतनी महंगी। सो आप जानो अब। सुनो, बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये ले तेरे 2 लाख और हेल्प करने के लिए थैंक यू। चल भाई। और हाँ, तूने ये मेरे साथ सही नहीं किया, और इस बात का बदला ना मैं तुझसे लेके रहूंगा। अच्छा, तूने ये सही किया हमारे साथ, तूने भी तो हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। और हाँ, जब हमारे पापा बीमार थे और मैं तेरे पास पैसे लेने के लिए आया था तो तूने क्या शर्त रखी थी? अगर मैं तेरे 1 महीने में पैसे नहीं दे पाया तो मेरी बहन तेरे पास 1 महीना रहेगी। अबे लड़की है वो, बहन है मेरी, कोई सामान नहीं कि तेरे पास गिरवी रख दूँ। और हाँ, मैंने ही बोला था उसे तेरे पास 1 महीना रहने के लिए, ये भी मैंने ही कहा था कि तुझे अपने आप को छूने ना दे। पैसे किस बात के, मैं रह तो ली 1 महीना तेरे साथ। चल भाई,